हालत देखो भाई साहब, 11 अक्टूबर मूड विलेज में समझ में आ रहा है कुछ। इसके अंदर से अभी गाड़ी चलाना है, मेरे को सोच के ही डर लग रहा है, गिरूंगा पड़ूंगा, गाड़ी दिल्ली तक पहुंच जाए बस। ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये देखो, जिंदगी में पहली बार बर्फबारी देख रहा हूँ, और वो भी सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, इसके अंदर से अभी मेरे को गाड़ी भी चलानी है। अभी चारों तरफ का सिचुएशन देखिए, मालूम नहीं कहाँ तक जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। ग्लव्स तो पहन रहा हूँ, शटल बैग लगा दिया। ये देखिए आईने का हालत देखिए, मेरे को लग नहीं रहा है कि गाड़ी स्टार्ट होगा। देखिए कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ते, आ जा रहा है, पहले जा रहा है, पीछे पीछे। ये रोड टोटल ऑफ रोड है, शीशा बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में पिन लॉक नहीं है। चारों तरफ का नजारा देखिए, आया देखो डॉक्टर से पकड़ के चलना ही सही है, चल नहीं पा रहा। देखो डॉक्टर पकड़ के चलते हुए आठवा सब सुन हो गया है, ऐसे 25 किलोमीटर चलाने हैं। ये देखो भाई साहब, ये गाड़ी इधर अटका पड़ा हुआ है, बर्फबारी रुकने का मन नाम ही नहीं दे रहा। जैसे हम लोग उधर बारिश होता है वैसे ही सिचुएशन है, हाथ का सामने वाला हिस्सा पूरा नम हो गया है। जाना तो पड़ेगा, अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ, अभी वैली खत्म हो गया, अभी फिर पहाड़ में चढ़ना चालू हुआ। और इस जगह में बहुत ज़्यादा शूटिंग रॉक होता है, शूटिंग स्टोन्स, डर इस बात का ही है। बर्फबारी अभी भी चल रहा है, उन्होंने बोला था 4-5 किलोमीटर, हाँ इंटेंसिटी तो बीच में कम हो गया था, फिर बढ़ गया था, फिर अभी थोड़ा सा पहले से कम लग रहा है, लेकिन जितना दूर आग जा रहा है उतना दूर हो ही रहा है। बर्फबारी, आप लोगों को कितना क्या दिख रहा है आई डोंट नो, क्योंकि इस रास्ते में गाड़ी चलाते हुए वो भी वाइजर खोल के उसके साथ साथ दोनों हाथ का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं इसीलिए ज़्यादा लेंस वगैरह साफ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक तो ब्रेक काम ढंग से नहीं करता,
ढलान में, ब्रेक को यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, डर लग रहा है कि बाई चांस अगर कुछ हो जाए। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ मडी ट्रैक है, डर्ट पत्थर से बना हुआ। भाई जब आया था तब ऑफ रोड का फील था, आज इसको कौन सा लेवल का फील बोलूंगा मुझे मालूम नहीं। फील तो हो रहा है, हाथ वाथ दोनों हाथ का टिप जो है उंगली का वो पूरा सुन हो चुका है लिटरली। कल पूरा रात बर्फबारी हुआ है, रात का पूरा रात नहीं, रात का 2:30 बजे से। मालूम नहीं ये फुटेज कैसे आएगा, क्योंकि अगर ये सब एक्सपीरियंस के बाद घर पहुंचूं और उसके बाद ये शेयर करने के लिए सही में मज़ा आएगा। ये वही जगह था, अजीब अजीब तरीके से काट के रखा है, अभी भी भाई फिर से बढ़ गया है बर्फ पड़ी। मेरे को तो लग रहा है कि पूरा रास्ते में ही मिलेगा, सगनम तक बोल रहा था वो लोग, लेकिन सगनम तक नहीं। ढलान है, सुनाया था बहुत पहले आगे बढ़ गया होगा लग रहा है। से ज्यादा बढ़ रहा है, बर्फ पर ही बढ़ रहा है। और 1 किलोमीटर आ गया है, कल तो करीबन 1 किलोमीटर पहले से सगनम विलेज दिख रहा था, आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाई साहब ये कौन सा जगह है मालूम नहीं, अभी तक शायद काफी दूर में ही है हम लोग विलेज से। भगवान है भाई, इधर है कुछ, शायद हम लोग पहुंच चुके हैं लेकिन बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, हो नहीं सकता वो कुत्ता नहीं है भाई। मालूम नहीं कैमरा में शॉट हुआ कि नहीं, दैट वाज नॉट अ डॉग, दैट वाज समथिंग एल्स। अरे बाप रे, जिंदगी में जो एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस बार हो गया भैया। वाइल्ड लाइफ आपके सामने विदाउट एनी, आप भी उसको तंग मत करो, वो भी आपको तंग नहीं करेगा, फिर वो खाना ढूंढ रहा है। इस टाइम पे आप उसके लिए खाना तो आराम से बन सकते हो। सूरज भी उगा है, सूरज भी उग रहा है और बर्फ भी गिर रहा है, यानी अभी हवा चलेगा। और ये बर्फ थोड़ा सा मोटा सा बर्फ है जो वो लोग बोल रहे थे रेत के
कैसा ये है पास, इस हालत में ये पास को क्रॉस करना क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई हैव टू। ये वाला क्रॉस कर जाएंगे, इसके बीच बीच में वही दो तीन अच्छा रास्ता है, तीन चार जगह में थोड़ा थोड़ा, बाकी सभी ऐसे ही दाग चाक है। ये अच्छा रास्ता है, जस्ट लाइक हाईवे। खैर आज मेरा कुशन भी नहीं है, मेरे को थोड़ा सा पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, इसके बाद फिर से वैसे ही डार्ट रोड चालू हो जाएगा। ये हाईवे खत्म हुआ, डार्ट रोड चालू। अभी बर्फ पड़ी बहुत ही धीरे, कभी कभी जैसे लग रहा है एक दो बर्फ। मूड विलेज पीस वैली जितने ही बार याद रहेगा भाई मेरा, रिपेयर का ऐसे पहला सिचुएशन। एक्सट्रीम हर्ष कंडीशन में चलाया बहुत हूँ, बारिश लेकिन बर्फबारी के अंदर गाड़ी ड्राइव करता पहली बार। कोई गधेरे जगह दे दे, मैं गधेरा तू गधेरा तू। हेलो, ओह देखो दूर के पहाड़ में कितना बर्फ पड़ गया है। इधर कोई चाय का दुकान का कुछ है क्या? टायर रखो, अगर मिल जाता तो टायर रखो, रुकना चाहिए था हवा मत। वही तो रहा रुका, আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলাম দাদা, কোনো চায়ের দোকান খোলা নেই তো, চায়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, গাড়ি চালাবো, বাইক চালাতে চালাবো। আরে দাদা আমি যা পেয়েছি না, हम लोग तो सुबह सोचे थे कि कोई पिकअप को बोल रिक्वेस्ट करे कि भाई पैसा दे देता हूँ गाड़ी उठा दीजिए आगे जहाँ पे। नींद जैसे खुला ना दिल खुश हो गया, जैसे ही जैसे खिड़की खोला देखा पूरा दिल खुश हो गया। फिर ध्यान में आया कि इतना तो बर्फ तो गिर गया, वापस कैसे जाएंगे। अभी हम लोग है कौन सा गांव? गुलिंग। गुलिंग गांव में भैया हम लोग को कॉफी पिला रहे, थैंक्स फॉर इट, क्योंकि हम लोग का हाथ पैर सब सूर्ण हो चुका है। पूरा बर्फबारी में चलते हुए आ रहे हैं, करीबन कितना किलोमीटर सर मुझसे? 17 किलोमीटर पूरा बर्फबारी में ये राजा दा कॉफी पीते हुए। ये भैया आपका नाम? भैया नोरबू जी, हम लोगों को गरम कॉफी और उसके पहले गरम पानी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं घर में जाने के लिए, लेकिन हम लोगों का जो सिचुएशन है हम लोग जाएंगे तो उनका उनका घर ही खराब होगा, इसलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक झेल पाएंगे आज। हाँ, इधर भी बर्फ भरे चालू हो गया। खैर, एक भैया पानी पिलाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, रहता पैसा भी नहीं दिया। हालत देखो भाई साहब, तगड़ा बर्फ पड़ी हो रहा, जैसे 16 किलोमीटर, अभी 83 96, वही अल्टीमेटली 700 तक ही पंगा है। प्रॉब्लम है, इसके बाद रास्ता खराब है और बीच में मेरे हिसाब से कोई गांव नहीं है। कल हम लोगों को तो नहीं मिला था। इसको बोलते हैं जी बर्फ परी, बर्फ परी। वाइजर भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फिर और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस टाइम पे रास्ता देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही ठंड में कष्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी ग्लव्स के अंदर वार्मर पाउच डाल लिए, कुछ कर नहीं सकते, इतना ठंड लग रहा है, हाथ जम जा रहा है। मोटे मोटे वो लेके जैसा बर्फबारी हो रहा है साले। ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो स्नो लेपर्ड अगर निकल जाए तो अजीब नहीं है। वुल्फ, स्नो लेपर्ड, ये सब अगर निकल जाए तो कोई भरोसा नहीं है। हीट तो जनरेट कर रहा है लेकिन जरूरत से अजीब तरीके से जनरेट कर रहा है, फीलिंग नहीं हो रहा है, इतना ठंडा है। इतना पानी नहीं था, हम लोग करीबन आ चुके हैं तीन वैली से बाहर मेन रोड के पास। ये दिख रहा है आपको गेट सामने, ये वही ब्रिज है जहां पे कल हम लोग शायद ड्रोन भी उड़ाए थे,